नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा है जो वो ख़त्म हो चुकी है, और कल जो यानी कि 3 मार्च को जन विश्वास महारैली की तैयारियां चल रही है। आप मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो प्लीज़ आप दिखाएं ज़रा कि कैसी तैयारी चल रही है। लगभग बिहार के हर ज़िले से लोग आएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है जब जन विश्वास यात्रा पे निकले थे तो वो बिहार के लगभग कह सकते हैं कि हर ज़िले पे गए थे। अब देखना ये होगा, ये बहुत दिलचस्प होगा कि कितने लोग आते हैं, और जो तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा है लोग उस पर कितना विश्वास किए हैं। और बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कि जो है लोग जो है एक नेता को देखने तो ऐसे भी लोग आ ही जाते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब वोट देंगे तो तेजस्वी को समझ में आएगा कि लोगों का विश्वास पर कितना है। लेकिन राजद कह रही है कि जो भीड़ उमड़ी है वो भीड़ जो है वो नकली नहीं है, वो भीड़ तेजस्वी के प्रशंसकों की थी, क्योंकि तेजस्वी जो है अब कहीं ना कहीं एक मैच्योर नेता के रूप में लोगों को दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजद की तरफ से पार्टी, ये जो है 5 पार्टियों की तरफ से जो है ये रैली निकाली गई है, और ऐसी संभावनाएँ जताई जा रही है कि कल राहुल गांधी आएंगे, खड़गे भी आएंगे, ऐसी संभावना है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत बड़ी रैली है, तैयारियाँ बहुत विस्तृत रूप से हो रही है। और आरजेडी ऑफिस का भी आपने देखा होगा, आरजेडी कार्यालय के पास भी बहुत भीड़ लगी हुई है। जो यहाँ लोग आएंगे उनके रहने और ठहरने का इंतजाम जो है वो वेटनरी मैदान में किया गया है। और कल लगभग जो है पटना बिल्कुल आपको व्यस्त नज़र आएगा, क्योंकि तेजस्वी ने जो रैली निकाली है उस पर देखना यह होगा कि लोग कितना विश्वास करेंगे, और आगे जो उसकी आगे की क्या रणनीति रहेगी। हो सकता है तेजस्वी इसके बारे में कल बात करें। और जो 24 और 25 का जो रास्ता है, ये रैली जो ये यात्रा जो थी तेजस्वी की यात्रा जो है वो कितना आसान करेगी आगे के। लालू प्रसाद यादव जो है वो एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो अनुरोध करते हुए जनता से नज़र आ रहे हैं कि जो जन विश्वास यात्रा है और जो जन विश्वास रैली है उस पर आइए और तेजस्वी का साथ दीजिए। आप पटना के गली गली में जो है आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स लगाया गया है तेजस्वी यादव के बारे में। हर जो कार्यकर्ता है, नेता है, अपने तरफ से ये जता रहे हैं कि हाँ तेजस्वी हम आपके साथ हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने भीड़ यहाँ पे जुटती है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं और क्या होगा। 3 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। भाजपा जो है बार बार इसको नकार रही है, उनका कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भीड़ जो है खरीदी हुई भीड़ थी, तेजस्वी का कोई जो है फैन बेस नहीं है, वो सिर्फ ऐसे झूठे मूठे वादे करके जनता को भरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजद जो है, और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि तेजस्वी का फोकस जो है वो युवाओं पर है, क्योंकि जो युवा तेजस्वी खुद युवा है और वो युवाओं को जो है क्या बोल सकते हैं कि वो उसको सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं युवा को। और कहीं ना कहीं तेजस्वी को ये पता है कि युवा जो है स्ट्रेंथ है, बिहार एक युवा राज्य है, अगर युवा उनके साथ रहेंगे तो आगे उनके लिए बहुत आसानी रहेगी।